Hello and assalamu alaikum. This is Adeel from AdeelQayum.com. Today's topic of discussion is header tags. Header tags are basically those H1, H2 and H3 tags that improve the ranking of your content in search engines. अगर आप WordPress यूज करते हैं तो आप इन टैग्स को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं या अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं तो आप इन टैग्स को मैन्युअली भी अप्लाई कर सकते हैं. सो लेट्स सी इन डिटेल व्हाट हेडर टैग्स आर. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स डाइव इन एंड सी व्हाट हेडर टैग्स आर. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. एज द नेम सजेस्ट्स, हेडर टैग्स आर HTML टैग्स यूज्ड टू क्रिएट हेडिंग्स ऑन वेब पेजेस. इनका मकसद ये होता है कि एक वेब पेज को प्रॉपर स्ट्रक्चर देते हैं हेडर टैग्स जो होते हैं, और ये कंटेंट को स्कैनेबल ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं. इसका फ़ायदा ये होता है कि गूगल जो है वो आपका कंटेंट इजीली रीड कर पाता है, और जो आपके विजिटर्स हैं उनके लिए भी आपका कंटेंट पढ़ने में आसानी होती है. अब आप ख़ुद इमेजिन करें, अगर किसी वेबसाइट ने एक ब्लॉग पोस्ट बनाई है और उसने सारी ब्लॉग पोस्ट एक ही पैराग्राफ में पूरे वेब पेज पर लिख दी विदाउट यूजिंग एनी सब हेडिंग्स, तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा पढ़ना उस ब्लॉग पोस्ट को, और आपका इंटरेस्ट भी लूज हो जाएगा, आपको पढ़ने में भी डिफ़िकल्टी होगी. तो अगर उस पर सब हेडिंग्स हो और हेडिंग्स हो तो आपके लिए वो काफ़ी आसान हो जाता है पढ़ना. तो ये मकसद होता है कि HTML टैग्स लोग इसलिए यूज़ कर सकते हैं, और क्योंकि गूगल के लिए भी आसानी होती है पढ़ने में, तो हेडर टैग्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑन पेज SEO फैक्टर भी कहलाता है. तो टोटल 6 हेडर टैग्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, 6. इनमें से H1 और H2 है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, और अगर आप इनको HTML फॉर्म में लिखें 6 के 6 हेडर टैग्स को, तो इनको इस तरह लिखते हैं जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपने एक ब्रैकेट में हेडर टैग जो भी लगाना है उसका नाम लिखा, उसके बाद आपने जो भी हेडिंग या साइड हेडिंग लिखनी है वो लिखी, उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया उसी हेडिंग टैग के साथ, उसके नाम के साथ. तो इसी तरह H1 से लेकर H6 तक आप सारे हेडर टैग्स लगा सकते हैं जिस तरह कमांड आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर. तो अब बात करते हैं कि हेडर टैग्स को यूज़ किस तरह कर सकते हैं. वो आपने पीछे जो कमांड देखे उसी तरह ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं जैसे वर्डप्रेस हो गया, उनमें हेडर टैग्स लगाने का ऑटोमेटिक तरीका भी होता है. तो H1 टैग जो है ये होता है आपकी पेज की टाइटल या ब्लॉग पोस्ट, उसको H1 टैग कहते हैं. वर्डप्रेस में H1 टैग पहले ही अप्लाई होया होता है. अगर आप वर्डप्रेस खोलें और कोई भी ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करने से पहले उसका टाइटल लिखेंगे आप, तो वो टाइटल ही H1 टैग होगा. और H1 टैग एक टाइटल टैग के नाम से भी जाना जाता है वर्डप्रेस के अंदर. तो क्योंकि ये ऑटोमेटिकली लग जाते हैं, इधर आपको मैन्युअली इसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, ना आपको कोई टूल यूज़ करने की ज़रूरत है इसको अप्लाई करने के लिए. H2 टैग जो होता है वो एक सब हेडिंग होती है जो आपका टाइटल को रीइंफोर्स करता है और आपकी ओवरऑल थीम को भी बताता है रीडर्स को कि ये थीम चल रही है और इसके अंदर ये सब हेडिंग्स हैं. और वर्डप्रेस के अंदर और या कोई भी और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपको इसको इंसर्ट करना होता है, या तो आप इसको वर्डप्रेस का जो विजुअल एडिटर है उसके थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं, या आप इसको मैन्युअली इंसर्ट कर सकते हैं. अगर आप मैन्युअली इंसर्ट करेंगे तो आपको जो कमांड मैंने पहले बताया था कि आपने हेडिंग टैग ब्रैकेट में लिखना है, उसके बाद आपने जौन सी भी आपकी सब हेडिंग है वो लिखनी है, उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना है वही हेडिंग टैग लगा के. तो इस तरह आपका मैन्युअली लग जाएगा हेडर टैग. H3 टैग होता है जो कि सब हेडिंग होती है उस कंटेंट के लिए जो आपके H2 टैग के नीचे आ रहा होता है, और ये H2 टैग बिल्कुल हटा के H3 टैग भी आप यूज़ कर सकते हैं. और मैं ये कहूँगा कि अगर आप हेडिंग टैग्स यूज़ कर रहे हैं तो आप H2 और H3 को इंटरचेंज कर लें, मतलब आप कभी H2 यूज़ कर लें कभी H3 यूज़ कर लें, लेकिन H2 और H3 एक ही पेज पे ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि उससे काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है रीडर के लिए. तो ज़्यादातर वैसे H2 यूज़ होता है, तो बेहतर यही है कि आप H2 तक ही रहें. और H4, H5, H6 टैग्स जो हैं ये फर्दर सब हेडिंग्स होती हैं, और मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि आप हेडिंग टैग्स को अगर यूज़ कर रहे हैं तो H3 तक रहें, और बेहतर ये कि H2 तक ही रहें, H3 भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन H1, H2 और H3 की सबसे ज़्यादा SEO वैल्यू होती है. H4, H5, H6 लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, और H2 और H3 के दरमियान इंटरचेंज कर लेते हैं, तो इस तरह ज़्यादातर हेडिंग टैग्स यूज़ होते हैं. तो अगर एक एग्जांपल देखें हम, अगर आपके पास वर्डप्रेस नहीं है लेकिन आपका कोई क्लाइंट है जिसके लिए आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, और वो आपको कहता है कि आपने मुझे
काम जो सबमिट करना है उस पे हेडर टैग्स लगे हुए हों, तो वो किस तरह लगाएंगे आप? तो चलें फ़र्ज़ करें आपने एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, उसका टाइटल है व्हाट आर टाइटल टैग्स, ठीक है? तो आप जो है हेडिंग टैग वन जो है वो इस तरह लगाएंगे, किस तरह के आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपने ब्रैकेट ओपन किया, उसके अंदर हेडिंग टैग वन लिखा, एच वन लिखा, उसके बाद आपने अपना टाइटल लिख दिया पोस्ट का, उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया हेडिंग वन के साथ, तो ये आपका टाइटल टैग लग गया, टाइटल टैग और एच वन टैग जो भी आप इसको कहना चाहें। उसके बाद जो है आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे एक दो लाइनों की या एक दो पैराग्राफ की, उसके बाद आपकी मतलब एक तरह से बेस बन जाती है उसकी जो भी आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं। उसके बाद आप सब हेडिंग जब लिख रहे हो तो आप एच टू टैग यूज़ करें, मतलब अगर इस ब्लॉग पोस्ट की सब हेडिंग एक ये हो सकती है हाउ टू इंसर्ट टाइटल टैग्स, ठीक है? तो इसके अंदर आप एच टू टैग यूज़ करेंगे। उसके बाद एक और सब हेडिंग ये हो सकती है कि हाउ टू लाइक व्हाट पीपल से अबाउट टाइटल टैग्स, व्हाट इंडस्ट्री एनालिस्ट से अबाउट टाइटल टैग्स, उसको भी आप एच टू में यूज़ करें। लेकिन आप अगर एच टू की अगर एच थ्री यूज़ करें सब हेडिंग के लिए, तो जो बाद में आप सब हेडिंग लगाएंगे उसके लिए भी एच थ्री ही यूज़ करें। और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एच थ्री हेडिंग जो सबसे नीचे लगाई हुई है मैंने, ये जो है ये सब हेडिंग होगी उस कंटेंट के लिए जो एच टू टैग के नीचे आ रहे हैं। अब इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये सब हेडिंग एच टू टैग के नीचे जो कंटेंट है उसको फर्दर डिवाइड कर रही है। तो अगर आपका एच टू टैग की सब हेडिंग है हाउ टू इंसर्ट टाइटल टैग्स, तो एच थ्री की सब हेडिंग ये हो सकती है हाउ टू इंसर्ट एच टू टैग्स, फिर उसके बाद एक और एच थ्री डाल सकते हैं हाउ टू इंसर्ट एच थ्री टैग, हाउ टू इंसर्ट एच फोर टैग, इस तरह एच थ्री आप बहुत सारे लगा सकते हैं। लेकिन आप इसको ना ही लगाएं तो बेहतर है, एच टू तक ही रहें, और अगर एच थ्री यूज़ करें एच टू की जगह तो एच थ्री के नीचे एच फोर ना लेके आए, तो इस तरह आसानी होगी रीडर के लिए रीड करना आपका कॉन्टेंट। तो ये थे हेडर टैग्स, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट SEO फैक्टर है ऑन पेज। आप कोई भी SEO ऑन पेज के बारे में पढ़ लें तो आपको देखेगा कि उधर लोगों ने रिकमेंड किया होता है कि टाइटल टैग्स लगाने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.adeelqayum.com, उधर ब्लॉग पोस्ट हैं वीडियो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो वो आप देख सकते हैं। हमारा एक फेसबुक पे पेज भी है AQ डिजिटल के नाम से, वो भी आप विजिट कर सकते हैं, रेगुलरली कॉन्टेंट अपलोड होते हैं वहाँ पर, और यूट्यूब के ऊपर भी आप जाके डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्टेंट देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।